उत्तर प्रदेश की भूमि बुद्ध धम्म की हृदय स्थली मानी जाती है। तथागत गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ, जो आज नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है। कपिलवस्तु के महाराजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ गौतम सदैव संसार की मानवीय पीड़ा और उसके निवारण पर गहरा चिंतन करते रहते थे, और एक राजघराने में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने राजशाही सुखों का त्याग कर सत्य, अहिंसा और भाईचारे का आदर्श पथ ढूंढ निकाला, जिससे समूचे विश्व की मानवता लाभान्वित हुई, जीव सृष्टि को शांति का मार्ग मिला। विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध की इस महान मानवतावादी विचारधारा ने मानव समाज को अपने चहुमुखी विकास की दिशा में पूर्ण सफलता के लिए प्रज्ञा, शील, करुणा और समाधि का ज्ञान मार्ग दिया, जो आज की मानवीय सभ्यता, सांस्कृतिक विकास एवं सच्चे धर्म की स्थापना में एक अमूल्य योगदान है। महान मानवतावादी तथागत बुद्ध ने एक ओर जहां भारतीय इतिहास को सत्यपरक और विज्ञाननिष्ठ तार्किक ज्ञान से सुशोभित किया, वहीं दूसरी ओर अपने जीवन में सामाजिक विकृतियों से कभी समझौता नहीं किया। तथागत बुद्ध ने शोषित, दुखी, अशिक्षितों को अत्तदीप भव का उपदेश दिया, अर्थात अपने आप में प्रकाशित होकर स्वयं ही ऊपर उठो और अपने मार्ग का अन्वेषण स्वयं करो, किसी पर निर्भर ना रहो। भारतीय संविधान, भारतीय मुद्रा, राष्ट्रध्वज में अंकित वर्तमान धम्म प्रवर्तन चक्र, सिंह मुद्रा, सत्यमेव जयते, ये सब बौद्ध धर्म की कला, संस्कृति, आचरण और धर्मनिष्ठ नैतिकता की मिसाल तथा बुद्ध धर्म के आधार शिल्प है। तथागत बुद्ध ने मानव समाज के लिए जो कल्याणकारी मार्ग दिया, वो विश्व भर में हमेशा के लिए प्रासंगिक है। जो भी इस मार्ग पर चलता है, हमेशा सुखी और प्रकाशवान रहता है। यही कारण है कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की अगुवाई में सरकार बनी और बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, तो लखनऊ में तथागत बुद्ध के सम्मान में एक शानदार बौद्ध विहार शांति उपवन का निर्माण कराया गया। इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती के जेतवनाराम में तथागत बुद्ध ने अपने जीवन के 24 वर्षावास, अर्थात अपने जीवन का काफी लंबा समय यहां व्यतीत किया। देश विदेश के बौद्ध अनुयायी इसी बात के मद्देनजर अध्ययन, अनुसंधान, निवास और पर्यटन की चाहत के लिए उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, और उनकी आशाओं की पूर्ति करता है लखनऊ का ये बौद्ध विहार शांति उपवन। लखनऊ के वीआईपी रोड पर शारदा नहर के समानांतर 32.5 एकड़ भूमि में फैला हुआ यह बौद्ध विहार शांति उपवन आज लखनऊ की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का हिस्सा है, जिसमें विशाल उद्यान तथा भव्य भवन भी निर्मित है। बौद्ध विहार शांति उपवन का मुख्य आकर्षण है तथागत गौतम बुद्ध की 18 फीट ऊंची सफेद संगमरमर की ये चहुमुखी प्रतिमा, जिसका अनावरण उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय सुश्री बहन मायावती जी के कर कमलों द्वारा 25 जून 2009 को संपन्न हुआ। यहां 16 फीट ऊंची सफेद संगमरमर की बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी तथा सुश्री बहन मायावती जी की भी चहुमुखी प्रतिमाएं स्थापित है। और इन प्रतिमाओं के दोनों ओर खड़े ये दो ब्रांज के फव्वारे इस क्षेत्र को और भी खूबसूरत बनाते हैं। बौद्ध विहार शांति उपवन में ये जो भव्य गलियारा है, इसके दोनों ओर दो भव्य भवन स्थित हैं, जिसमें एक ओर पूजा स्थल तथा ध्यान केंद्र है, तो इसके दूसरी ओर भव्य लाइब्रेरी और आवासीय परिसर है, जिसमें अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए यहां आने वाले शोधकर्ताओं तथा भिक्षुओं के ठहरने की व्यवस्था है। इस 3 मंजिला विहार में भूतल पर एक बड़ा डाइनिंग हॉल, आधुनिक किचन,
प्रथम तल पर दो डॉर्मेट्री तथा द्वितीय तल पर भिक्षुओं के ठहरने के लिए 16 कमरे बनाए गए हैं। बौद्ध विहार शांति उपवन की लाइब्रेरी में 150 लोग तथा स्वाध्याय भवन में 200 लोग एक साथ बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। 1956 में 14 अक्टूबर के दिन नागपुर की नाग नगरी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो धम्म क्रांति की, उसके विस्तार के परिप्रेक्ष्य में लखनऊ का ये बौद्ध विहार शांति उपवन अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है।